बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ फ्रेंड्स। फूड अथॉरिटी की जानब से जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसके रिलेटेड मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके उसमें लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ बिला तखीर आप तक पहुँचती रहें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट आती है फूड सेफ्टी की, जिसके लिए 18 आसामी एजुकेशन MSc MPhil MSc इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फूड सेफ्टी में किया हुआ हो तो उसके लिए अप्लाई किया जा सकता है, और एज लिमिट जो है वो 35 साल रखेगी। उसके बाद हमारे पास फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट आती है जो कि 55 है, इनके लिए मास्टर या BS ऑनर या BS इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फूड सेफ्टी किया हुआ हो तो अब भी अप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद जो इसके लिए एज लिमिट 35 ईयर रखेगी। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट आती है जो कि 22 सामियाँ हैं, बैचलर डिग्री होनी चाहिए वो भी कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, और साथ में जो आपकी टाइपिंग स्पीड जो है 30 VPM होनी चाहिए, या आपने BA BSc की हुई या 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ तब भी अब अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 20 से 30 साल रखेगी। उसके बाद असिस्टेंट की पोस्ट आती है जो कि तदाद सामी एक, बैचलर एजुकेशन और 20 से 30 साल एज लिमिट रखेगी। उसके बाद फोटोग्राफर की पोस्ट आती है जो कि तदाद सामी एक, इंटरमीडिएट एजुकेशन होनी चाहिए और एज लिमिट 20 से 30 साल रखेगी। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट आती है जिसके लिए तदाद सामी एक और जो है मैट्रिक या इसके इक्वलेंट एजुकेशन हो तो अप्लाई किया जा सकता है, 22 से 35 साल एज लिमिट रखी गया। उसके बाद ड्राइवर की पोस्ट आती है जिसके लिए 37 आसामियाँ और एजुकेशन मैट्रिक और साथ में LTV लाइसेंस होना चाहिए, एज लिमिट 18 से 35 साल रखेगी। उसके बाद नैब कासिर की पोस्ट आती है जो कि 24 आसामियाँ, मैट्रिक सर्टिफिकेट और जो है एज लिमिट 18 से 30 साल रखेगी। उसके बाद चौकीदार की पोस्ट आती है जो कि तदाद आसामियाँ 16 और मिडिल एजुकेशन सर्टिफिकेट और एज लिमिट 18 से 30 साल। उसके बाद स्वीपर की पोस्ट आती है जो कि 15 आसामियाँ और प्राइमरी सर्टिफिकेट एजुकेशन होनी चाहिए तो इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है, एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है। अभी बात की जाए अप्लाई करने की तो अप्लाई करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपली है। सिंपली आपने जो है ऑफिशियली जो साइट है PTS की उस पर आना है। जैसे आप इस साइट पर आएंगे तो यहाँ पर इनका जो अप्लाई फॉर्म है वो यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है, जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना हो डाउनलोड करके उसे फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद इस्लामाबाद PTS को जो है आपने बाय डाक सेंड कर देना है, और सिर्फ इस जॉब के लिए जो है KPK फूड सेफ्टी के लिए, हलाल फूड अथॉरिटी के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ KPK के लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जी इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वीडियो को नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। इसके साथ मुझे जा दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिस अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।